Hello everyone, so welcome to my channel in Glam Beauties. Myself Khushbu Singh and I hope you all are doing well. आज की वीडियो में आप लोगों के लिए मैंने 9 यार्ड यानी कि 9 मीटर की साड़ी की ड्रेपिंग zigzag मराठी स्टाइल में लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, ये साड़ी मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की है, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। मे बी ये आउट ऑफ स्टॉक रहे, लेकिन ऐसी और भी अगर साड़ियाँ मुझे मिलेंगी तो उनकी भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सबसे पहले आप अपनी 9 यार्ड की साड़ी की जो पल्लू की पार्ट होती है ना, उसको आप अपने पीछे की साइड से अपनी राइट हैंड की तरफ कर लीजिए। राइट और लेफ्ट में आपको कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपका लेफ्ट हैंड वो हैंड होता है जिस साइड पे आपकी दिल की धड़कनें ज़्यादा सुनाई देती हैं, ठीक है? तो इससे आपको आपका राइट एरिया पता चल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा कपड़े की लेंथ ना अपने लेफ्ट हैंड की तरफ रखना है और फिर बीच में ना दो टाइट नॉट बनाना है। दो टाइट नॉट बनाने के बाद आप अपने पैरों को फैला लीजिए और पीछे की साइड पर बीच वाला जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है, इसको उठा कर आप लेकर आइए और नॉट के अंदर से इसको आप बाहर निकालिए। मेक श्योर कि आपकी बॉर्डर्स जो पैरों पे आ रही है ना, वो आपके पूरे पैर को अच्छे से कवर कर ले। इसको अच्छी तरीके से इससे आपको अपने पैरों को कवर करना है सामने की तरफ से। और अब ये जो लेफ्ट साइड पे हमारा थोड़ा सा लेंथ था ना, इसको हमें पैरों के बीच से पीछे की तरफ घुमाना है और फिर इस तरीके से इसके बॉर्डर को सामने लाना है। अब बॉर्डर हमारा पैरों के सामने रहेगा और फिर इसके पीछे पीछे जो लेंथ है हमारी, उसको हमें प्लेट्स में अरेंज करना है। आप प्लेट बोलते हो या प्लीट्स बोलते हो, डजेंट मैटर, लेकिन प्लेट और प्लीट दोनों सेम ही वर्ड है। तो अगर मैं कभी प्लेट या प्लीट बोलती हूँ ना, तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अब हमें क्या करना है ना कि अपने इस बॉर्डर को बिल्कुल टाइट करना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट जो अभी लूज पड़ रहा है ना, उसको हम बाद में सेट करेंगे, लेकिन पैरों के पास पहले हम एक पिन लगाकर इस बॉर्डर को सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये जो एरिया हमारा ढीला पड़ रहा है, इसको बिल्कुल पैरों पे टाइट करते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे और जो हमारा बॉर्डर बिल्कुल स्ट्रेट आया था ना, उस बॉर्डर के नीचे से हम इसको टक करेंगे। ये एक्स्ट्रा पार्ट है जिसको कि हमें टक करना होता है, ताकि हमारा पैर के पास आने वाला जो कपड़ा है वो बिल्कुल टाइट हो जाए। अब ये जो हमारा राइट की तरफ जो पूरा लेंथ है साड़ी का, जिसमें कि हमारी पल्लू की पार्ट भी ऐड है, उसको हमें पीछे की साइड से ले जाना है और सामने की तरफ लाकर हमें इसको रफली गैदर करना है। रफली गैदर करने के बाद अब हम इसको अपनी लेफ़्ट साइड के शोल्डर पर डालेंगे और किसी चीज़ की हेल्प से ना यहाँ पर हम इसको ऐसे बस हल्का सा दबा कर छोड़ देंगे। अब जो ढीला हमारा कपड़ा है, उसको ना सेट करने से पहले हमें अपने पैरों के पास वाला जो बॉर्डर है, उसको हमें पिनअप करना होगा, नहीं तो आपका ये वाला एरिया ना हमेशा खुला ही रह जाएगा और फिर बाद में भी आपको मौका नहीं मिल पाएगा ये पिन लगाने का। पिन लगाने के बाद अब जो हमारा रनिंग कपड़ा है वो हमारे पैरों के सामने होगा और अब हम अपनी राइट लेग के पास से प्लीट अरेंज करना शुरू करेंगे। तो ये साड़ी जो है वो 9 मीटर की है, मेरी हाइट 5.5 है, तो इसीलिए मेरी हाइट के अकॉर्डिंग साड़ी की लेंथ भी अच्छी है, तो इसी वजह से जो जिगजैग पैटर्न है वो मैं अच्छे से अपनी हाइट पे बना पा रही हूँ। अगर आप वही 5 मीटर की साड़ी लोगे या 6 मीटर की साड़ी लोगे और हाइट अगर मेरी जैसी आपकी सेम है, तो जिगजैग पैटर्न आप कभी नहीं बना पाओगे, क्योंकि या तो आपका लेंथ कम पड़ जाएगा या फिर जो आपका धोती लुक आता है ना पैरों के पास, वो आपका घुटना तक चढ़ जाएगा। अब सभी प्लीट को बनाने के बाद हमें इसको अपनी राइट हैंड की तरफ घुमाकर बीच में टक कर देना है। अब सबसे पहला वाला प्लीट हमें उठाना है, क्योंकि यहीं से हमारी जिगजैग पैटर्न शुरू होगी। तो अब जिगजैग पैटर्न बनती कैसे है, उस पर आप ध्यान दोगे। पहला प्लीट हमें उठाना है और इसको घंटी टाइप का शेप देना है, बिल्कुल बेल टाइप का। देख रहे हो आप मैंने इसको कैसे मोड़ा, और आपको इसको अपनी लेफ्ट साइड की लेग के बिल्कुल फ्रंट पे बनाना है।
पहला बेल हमारा बन गया है। दूसरा बेल बनाने के लिए नीचे की लेंथ को हम इस तरीके से उठाएंगे और इसको हम अपनी राइट की साइड पे ऐसे मोड़ करना, अपनी पहली वाली बेल के कॉर्नर पे इसको रख कर पिन से सिक्योर करेंगे। तो ये जो बेल है ना, हमने जो बनाया है इसमें दो कॉर्नर्स हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो हम राइट की साइड पे ही पिन लगाते हुए चलेंगे और अब दूसरा ठीक इसी तरीके से हम नीचे इस वाली बॉर्डर को उठाएंगे और फिर से हम सेकेंड वाली बेल के कॉर्नर पे पिन लगा देंगे। तो इस पैटर्न में आपको बहुत सारे पिन्स की ज़रूरत पड़ेगी, छोटी छोटी वाली जो सेफ्टी पिन्स आती है ना उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप रखिएगा पिन बहुत सारे अपने पास और उसके बाद ये ज़िगज़ैग पैटर्न आप बना पाओगे। तो इसी तरीके से करते हुए आपको बिल्कुल नीचे तक जाना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ज़िगज़ैग पैटर्न आपके लेग तक नहीं पहुंच रहा है, तो आप ना पूरी ज़िगज़ैग पैटर्न बनाने के बाद सबसे ऊपर वाला जो प्लीट रहेगा इसको आप बाद में भी अपने हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो ये पैटर्न तो हमारा बन गया। अब हमारे कंधे के पास वाले जो एरिया है उसको सेट करने के लिए हम सबसे पहले तो ये जो हमारे जस्ट चेस्ट से गुजरता है बॉर्डर, इसको हम टक करेंगे कुछ देर के लिए। फिर घुटने में हम फंसाएंगे इसका दूसरा बॉर्डर और फिर बॉर्डर को इस तरीके से मोड़ते हुए इसके ऊपर हर एक छोटी छोटी प्लीट्स को टाइट करते हुए इसमें अरेंज करते चलेंगे। तो इसमें हमारा जो पीछे की साइड पे जो पल्लू आएगा ना वो एक बराबर नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो एक बार जब आप पल्लू बना लेते हो तो इसको ना आप अपने कंधे पे पहले ही पिन से सिक्योर कर लीजिए और फिर बाद में आपको जो भी स्टेप्स करने होंगे आप वो कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि बॉर्डर जो है वो आपके घुटने के पास ना बिल्कुल ढीली होनी चाहिए। अब देखिए ब्लाउज़ के साथ मैं इसको अपनी लेफ्ट साइड के शोल्डर पे ना सिक्योर कर ले रही हूँ। पीछे की तरफ हमने जो बॉर्डर सेट किया था वो हमारी खुल गई थी, क्योंकि ये एरिया जब तक हम पिन से सिक्योर नहीं करेंगे तब तक ये सही से नहीं अपने जगह पे रहेंगी। तो इसीलिए हमें इसको अपनी जो पीछे की साइड पे कास्ठा आई है, ये जो बॉर्डर है ना पीछे की साइड पे उसको हम कास्ठा बोलते हैं, तो इस कास्ठा के नीचे पे हमें पिन से इसको सिक्योर करना होगा। और उसके बाद आप जो भी वेस्ट बेल्ट लगाना चाहो आप लगा सकते हो, चेन भी इसके साथ बहुत ही अच्छी दिखेगी। अब आप इसके साथ पैरों की एंगलेट यानी कि पायल पहन लीजिए और फिर नाक में जो मराठी जो नथिया आता है आप वो पहन लीजिए, उसके बाद आप बहुत 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 खूबसूरत लगोगे। डांस अगर आपको करना है तो पैरों में घुंघरू पहन लीजिए एंड देन यू आर रेडी टू गेट टू गो। वैसे ये स्टाइल जो है वो महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, ये मराठी स्टाइल की ज़िगज़ैग पैटर्न वाली साड़ी है। सो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सुबह।